Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me Hira and you guys are watching Beautify by Hira. So आज की वीडियो में मैं इस टूल का रिव्यू करने वाली हूँ प्लस डेमो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो ये टूल तो आपने कहीं ना कहीं पर देखा ही होगा, इंस्टाग्राम पर या फिर दराज पर या फिर यूट्यूब पर इसकी आपने वीडियोज देखी ही होंगी. ये टूल काफी ज्यादा ट्रेंड में था, सो आई थॉट कि मैं इसको परचेज करूँ और देन इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ कि इससे एक्चुअल में नेल्स बनते हैं या फिर नहीं. सो आपने अगर इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी है दैट इज ऑलरेडी अप ऑन माई चैनल, यू गैस कैन वॉच दैट. सो इसको आज हम यूज़ करेंगे और इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे. सो आप इस टूल की हेल्प से आप इस तरह का फ्रेंच मेनिक्योर जो है वो आप घर पर बैठकर कर सकते हो विद इन मिनट्स में. काफी इजी एप्लीकेशन है, सो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी. सो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. फ्रेंच मेनिक्योर नेल्स करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा टॉप कॉर्ड, आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेडोरा का टॉप कॉर्ड जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ. देन मेरे पास है वाइट कलर की नेल पॉलिश, आपके पास जो भी हो वाइट कलर की आप वो ले सकते हो. यहाँ पर है मेरे पास कलरिस्ट की फ्रेंच वाइट नेल पेंट जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है. देन आपको चाहिए होगा क्यू टिप या फिर आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो. देन आपको चाहिए किसी भी कंपनी का नेल पॉलिश रिमूवर, यहाँ पर है मेरे पास सॉफ्ट टच का. देन अगर आपके पास टॉप कॉर्ड नहीं है तो आप इस तरह का बफर ले सकते हो, उसकी एक साइड से आपके नेल्स जो है वो बफ हो जाते हैं और दूसरी साइड से ये आपके नेल्स को जो है पॉलिश करता है. और ये टूल मैंने दराज से परचेज किया था, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो. ये आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, दराज से मिल जाएगा, प्लस आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हो. ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, सिलिकॉन का बना होता है जो कि आप इजिली इससे फ्रेंच मेनिक्योर कर सकते हो. और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है. अगर आपने परचेज करना है तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये टूल बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके नेल्स जो है वो नेचुरली व्हाइट ग्रो नहीं होते, जैसे कि मेरे नेल्स जो है वो बिल्कुल भी व्हाइट ग्रो नहीं होते, कुछ इस तरह के ग्रो होते हैं. दैट्स व्हाई आप इस टूल का यूज करके फ्रेंच नेल्स जो है वो अचीव कर सकते हो. अगर आपके पास टॉप कॉर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, एक साइड से बफ करना है और दूसरी साइड से जो है आपने इसको पॉलिश कर देना है. देन आपका नेल जो है वो कुछ इस तरह से शाइन करेगा. सो आप ये भी ट्रिक फॉलो कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली अपने नेल्स पर टॉप कॉर्ड अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह से. ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होती है जो कि आपको कहीं से भी मिल जाएगी. सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नेल जो है वो किस कदर शाइनी लग रहा है. देन आपने बाकी नेल्स पर भी ये टॉप कॉर्ड अप्लाई कर लेना है, बहुत ही स्मूथली अप्लाई होता है. टॉप कॉर्ड अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर मेरे नेल्स पर शाइनिंग देख सकते हो. जिस नेल्स पर मैंने जो है वो अप्लाई किया है वो काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पर आप शाइनिंग चेक कर सकते हैं. देन आपने टूल ले लेना है और उसके ऊपर जो है व्हाइट कलर की नेल पॉलिश लगा लेनी है. अगर आप व्हाइट कलर की अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप किसी भी कलर की भी अप्लाई कर सकते हो. आजकल जो है वो कलरफुल फ्रेंच नेल्स भी चल रहे हैं, सो आपने जो है वो इस तरह से अप्लाई कर लेना है. अगर आपकी नेल्स की जो लेंथ है वो लॉन्ग है तो आपने उस हिसाब से नेल पॉलिश लगानी है. यहाँ पर आप देख सकते हो आपने दो तीन बार ट्राई करेंगे तो ही ये आपसे जो है वो प्रॉपरली लगेगा. देन हमने जो है अगेन इस पर लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हो आपने ये नेल पॉलिश जो है वो स्टैम्पर पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़नी, अदरवाइज ये जो है वो स्टिकर की तरह बन जाती है. आपने जस्ट इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए अपने नेल्स पर लगा लेना है, जहां तक आपके नेल्स ग्रो हुए हैं वहां तक ही आप अप्लाई करेंगे. विद इन सेकेंड्स में आप जो है वो मेनिक्योर नेल्स अचीव कर सकते हैं. और इसको मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा सेट कर लिया था क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कम नेल पॉलिश लगाई थी. देन आपने नेल पॉलिश रिमूवर लेना है और क्यू टिप की हेल्प से जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उनको क्लीन कर लेना है ताकि आपके जो नेल्स हैं वो क्लीन लगे और आपने जो है वो क्यूटिकल्स को अच्छे से क्लीन कर लेना है. प्लस नेल के अंदर भी जो है नेल पॉलिश लग जाती है स्टैम्पर यूज करने की वजह से, सो आपने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है. नेल के इनसाइड कुछ इस तरह से नेल पॉलिश लग जाती है, सो आपने इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है. देन आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो, काफी ज्यादा नेल्स जो है वो नेचुरल लग रहे हैं. और आपने देखा था विद इन सेकेंड्स में ये फ्रेंच नेल्स जो है वो लग गए थे. सो आप दोनों हाथों में डिफरेंस देख सकते हो, जिस हाथ पर मैंने अप्लाई किया है वो काफी ज्यादा बेटर लग रहा है. सो अगेन आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, टॉप कॉर्ड लगाना है, देन इस स्टैम्पर पर आपने नेल पॉलिश लगानी है. देन आपने कुछ इस तरह से हल्का प्रेस करते हुए इजिली आपके नेल्स जो है वो बन जाएंगे. देन आपने अगेन नेल पॉलिश लगा लेनी है, देन आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद इन मिनट्स में आपके जो नेल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं. सो कुछ इस तरह से राउंड ट्विस्ट करते हुए आपने जो है वो नेल पॉलिश लगा लेनी है. देन आप इस स्टैम्पर को इस तरह से क्लीन कर सकते हो किसी भी वाइप की हेल्प से, या फिर अगर आप इस तरह से रिमूव नहीं हो रहा तो थोड़े टाइम के बाद ये कुछ इस तरह से पील ऑफ हो जाता है. सो इस तरह से आप अपने स्टैम्पर को जो है वो क्लीन कर सकते हो. आप मेरे नेल्स देख सकते हो कितने ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहे, तो रियल लाइफ में इवन इससे ज्यादा बेटर लग रहे थे. सो ये टूल मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है. थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, देन ही आप जो है वो प्रो हो जाओगे. मैंने काफी प्रैक्टिस की थी और अब मैं इसको ईजिली जो है वो यूज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो उसकी
प्रैक्टिस हो गई है और बहुत ही इजीली आपके नेल्स बन जाते हैं विद इन सेकेंड्स में आपके नेल्स जो है वो बन जाते हैं। सो आप ये बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकेस अगर आप परचेज करना चाहो। प्लस इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो की लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो तो डू कमेंट डाउन, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो एंड टिकटॉक, लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक एंड अल्लाह हाफिज़।